किडनी का फुल फॉर्म है डायबिटिक मैकुलर एडिमा। तो जैसा ये नेम सजेस्ट करता है, डायबिटीज की वजह से होता है। मैकुला मतलब जो अपना रेटिना होता है, आंख का पर्दा होता है, पीछे पर्दे का जो सेंटर मोस्ट पार्ट होता है उसको मैक्यूला बोलते हैं। मैक्यूला इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जो कुछ देखते हैं वो सारे फोटो सारी इमेजेस मैक्यूला पे ज्यादा बनती हैं। तो वो पूरे पर्दे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ई से एडिमा, एडिमा मतलब स्वेलिंग आ जाना। तो बेसिकली शुगर की वजह से जब पर्दे के सेंटर के हिस्से में, मतलब बीच के हिस्से में जिसको मैक्यूला बोलते हैं, वहां पर सूजन आ जाती है, उसको डीएमई या डायबिटिक मैकुलर एडिमा बोलते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में, शुगर के पेशेंट्स में डीएमई जो है, मतलब पर्दे में जो सूजन है, वो निगाह कम होने का सबसे मुख्य कारण है और सबसे कॉमन कारण, जिसका मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने वहां पे डीएमई किसी पेशेंट को है और पेशेंट ने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो क्रॉनिकली मतलब समय के साथ में अपना पर्दा परमानेंट डैमेज, परमानेंटली डैमेज हो जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट कराने से फायदा नहीं है। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो उसको डीएमई का स्क्रीनिंग कराना चाहिए, मतलब रेगुलरली डीएमई है कि नहीं उसका पता करना चाहिए, और अगर है तो उसका एज सून एज पॉसिबल इमरजेंसी बेसिस पर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में निगाह कम होने का जो सबसे मेन रीजन होता है वो डीएमई होता है।